वेलकम टू HPR Tech और आपका इस वीडियो में बहुत ही स्वागत है। और ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज हम ना टेक करने वाले हैं, ना अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, ना रिव्यूज करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा ये कौन है मेरे बाजू में बैठी, ये मेरी सिस्टर है। इसने जिद की मुझे कि मुझे आपके वीडियो में फीचर होना है, तो इसको फीचर करने के लिए मैंने सोचा कि क्या करूँ ऐसा। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, जो मेरे सिस्टर का रूम है वो पूरा कस्टम बेस्ड रूम है, मतलब आप जैसे कि देख सकते हैं टेडीज, ये पिंक कलर और ये सब। तो मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो में इसको फीचर भी कर लूँ और साथ में आपको बता भी दूँ कि अगर आपको अपनी बहन बेटी जो भी आपके मतलब जो छोटे से है, बड़े भी है, तो किनको इन टेडीज से प्यार नहीं होता और किनको इन कलर्स पसंद नहीं होते। तो मैंने सोचा आपको बस इस वीडियो में बता दूँ आपको कि अगर ये कस्टम रूम आपको बनाना है तो इस ये वीडियो देख के आपको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएंगी आपको कि आपको कैसे बनाना है अगर रूम अगर आपको बनाना है तो। सो मैंने सोचा ये वीडियो में साथ ही ये फीचर्स भी हो जाएंगे और ये सब आपको पता भी चल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको मॉन्टाजेस और थोड़े ये थोड़ा दिखाएंगे कि कैसा रूम है। सो देखते रहिए वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा मेरे सिस्टर का रूम। तो ये रूम के जो कस्टम चीज़ें वही दिखाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया। आपको तो पता है, आगे तो मैंने बता ही दिया कि ये रीज़न किस लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि मेरी सिस्टर बोल रही थी उसे फीचर होना है वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस कोने से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये रैक्स दिए गए हैं जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं। यहाँ पे अगर खोलूँगा कुछ गिर गया मेरे ऊपर तो मर जाऊँगा, रहने दो। फिर यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं रैक्स, ठीक है। फिर जैसे आप नीचे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सनमाइका की पिंक कलर की फर्निशिंग दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। सो ये पिंक कलर की जो फर्निशिंग है वो काफ़ी अच्छी लगेंगी हद तक, और आप इसको देख सकते हैं यहाँ से, पास से देखेंगे हम। सो ये ऐसे सनमाइका की आप पिंक कलर की फर्निशिंग दे सकते हैं अपने फर्नीचर्स को। और यहाँ पे देखेंगे तो ये है मिरर और ये हूँ मैं, इसे मत देखिए और बाकी सब वीडियो देखिए। तो ये जो मिरर है इसके पीछे आप कस्टम चीज़ें करनी है आपको, तो आप यहाँ पे अपना सामान रखने के लिए मिरर के पीछे एक कबर्ड टाइप बना सकते हैं जहाँ आप अपने मेकअप किट्स, जो अपनी जो आपके जो सिस्टर्स जो उनको तो मेकअप तो पसंद ही रहता है लड़कियों को, तो वो रख सकते हैं अपने सामान यहाँ पे। ऑटो फोकस को थोड़ा ये करिएगा क्योंकि पता नहीं फोकस नहीं कर रहा है कैमरा। तो ये मिरर का भी काम हो जाएगा, साथ में कवर्ड भी हो जाएगा और सामने में आपको कचरा नहीं दिखेगा। नीचे यहाँ पे दो ड्रॉर्स हैं जहाँ पे आपकी सिस्टर बहन जो भी है वो अपने क्लिप्स वगैरह रख सकती है, और नीचे साइड में भी एक है जहाँ पे अपने सामान रख सकते हैं, ठीक है। और इधर साइड में एक कबर्ड टाइप है, और ये कबर्ड के ऊपर यहाँ पे आप सिंड्रेला के जो वॉलपेपर्स है वो लगे हुए हैं। और ये है एक कबर्ड, ठीक है, जो स्लाइडर टाइप कबर्ड है और पूरा ये वेल फर्निश्ड है, और यहाँ पे आप अपने सब सामान रख सकते हैं जो भी आपकी सिस्टर वगैरह है वो, और ऐसे इसे क्लोज भी किया जा सकता है, और ये काफ़ी हद तक सही चीज़ लगी मुझे, ठीक है। और ऊपर रैक है, और आप अगर फ़ैन की तरफ जाएंगे तो देखिए ये फ़ैन भी कस्टमाइज है, फुल्ली कस्टमाइज। और थोड़ा देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरा सिंड्रेला जो प्रिंसेस वाला फील वाला फ़ैन है, बार्बी और सब यहाँ पे प्रिंसेस वगैरह की है। और इधर साइड में देखेंगे वॉल पे तो पूरे सिंड्रेला और जो बार्बी और वो अलादीन में जो क्या प्रिंसेस थी उसका उसके स्टीरियस लगे हुए हैं। नीचे तरफ आएंगे तो वहाँ पे ये बेड है, बेड पे भी सेम सनमाइका की फर्निशिंग की गई है। और ये पीछे थोड़ा हम पास में आएंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये छोटा बीम, ये टेडी बियर्स आप ऐसे सजा सकते हैं यहाँ पे। और ये वॉल, और ये है मिस्टर की बचपन की फ़ोटो, और ठीक है। और फिर बाद में नीचे देखेंगे तो ये सनमाइका की सेम फिनिशिंग है जो कबर्ड पे है, और ये कुशन है, और कुशन के बीच में यहाँ पे आपको पिंक कलर की, तो ये कुशन है, कुशन पे भी सेम यहाँ पे पिंक कलर के बटन्स दिए गए हैं, ठीक है, ये कुशन है। और फिर बाद में आप जब ब्लैंकेट की तरफ आएंगे तो ब्लैंकेट भी पूरा प्रिंसेस वाला है, ये सब आपको शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी वही फिनिशिंग है, ये थोड़ा लगेज है हमारा, इसे इग्नोर करिएगा। और फिर इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कस्टमाइज ये है, ये भी पिंक कलर का एक कर्टन है, और यहाँ पे एक टेडी है, और यहाँ पे भी एक बड़ा सा टेडी बियर डक है, ठीक है। और इधर साइड में तो ये बाथरूम टाइप ही हो गया। और ये है
स्टडी टेबल टाइप, ठीक है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पर अभी थोड़ा ये टूट चुका है, मतलब क्या हुआ, थोड़ा वो जो रोप थे वो रोप थोड़े टूट चुके हैं, इसलिए मैं इसे ओपन नहीं कर सकता। ये अगर आप निकाल लेंगे तो फिर बाद में एक स्टडी टेबल बन जाएगा, जहाँ पर आपके बच्चे हैं तो वो स्टडी कर सकते हैं, बड़े भी स्टडी कर सकते हैं, अगर लैपटॉप चलाना है तो वो भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल इस वीडियो में यही था। अगर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, अगर पसंद आए तो जरूर से बताना, और अगर आपको और चाहिए वीडियो तो प्लीज़ और बताना हमको कमेंट में कि आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, तो हम करेंगे कोशिश कि हम आपको ऐसे वीडियोस और दे सके। सो आगे का अब मेरी सिस्टर मन्नत बोलेंगी। प्लीज लाइक करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अवर वीडियोज एंड विल कैच यू इन अ नेक्स्ट वन। It's caught in the crossfire.